हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ प्रीति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के साथ जो होम एंट्रेंस है मेरे घर का उसका मेकओवर वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैं आपको पहले दिखा दूँ कि बिफोर लुक की कैसा था एंट्रेंस जो पहले था। तो देखिए, सामने कर्टन लगा हुआ है, वहाँ पर गेट लगा है और यहाँ पर साइड में 3 चेयर रखी हुई है। वॉल येलो कलर की है, उसमें स्टीकर लगा हुआ है। तो ये जो सामने की वॉल है येलो कलर की, इसको मैं वाइट कलर से पेंट करूँगी। तो मैंने पेंट कर दिया है और उसके ऊपर मैं इस तरीके का स्टिकर जो है वो ऑनलाइन मंगवाया था, वही स्टिकर लगाया है। और ये स्टिकर लगने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, डार्क रेड कलर का है और वॉल इससे और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और यहाँ पे मैंने एक बुद्धा जी की पेंटिंग मंगाई थी, ये भी स्टिक करने वाला ही है, तो उसे भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और जो सामने का गेट था उस पर जो कर्टन लगा था ना, वो भी मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ पे मैंने सभी कर्टन्स जो है वो स्काई ब्लू कलर के ही लगाए हुए हैं। और सामने देखिए चेयर लगा दी है, एक आर्टिफिशियल प्लांट रख दिया है। और चेयर पे इस तरीके के मैंने गद्दी मंगाई थी वो लगा दी है और कुशन ऐड कर दिया है। और ये आंगन की तरफ का है, वहाँ पर भी मैंने कर्टन लगा दिया है। और जो वो टेबल रखा हुआ था ना, उस पर मैंने इस तरीके टेबल क्लॉथ लगा दिया है और एक सुंदर सा पॉट रख दिया है। तो मेकओवर कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद का ये लुक है। और अभी मैं आपको अच्छे से डिटेल से एक एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं फ्लोर पेंट मैंने यहाँ मंगवाया था बट मिला नहीं। मैं फ्लोर को भी पेंट करना चाहती थी जिससे ये और अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी आपके साथ शेयर करेंगे वो। तो जो चेयर है देखिए, उसमें सिर्फ गद्दी लगा दी और कुशन लगा दिए, तो उससे भी उसका लुक एकदम चेंज हो गया है। छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग घरों में ऐड करते हैं, थोड़ी सी जगह बदल देते हैं, थोड़ा सा कुछ नया ऐड कर देते हैं, तो उससे घर बहुत अच्छा लगने लगता है। मुझे ये वॉल पे ये पेंटिंग बुद्धा जी की और ये जो स्टिकर लगाया वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और जो इस तरह के जो रूम का डोर था उस पर भी मैंने देखिए इस तरीके से कर्टन, 2 कर्टन लगवा दिया है। ये सभी चीज़ें मैंने मीशो से मंगवाई थी और आपके साथ शेयर भी की है। आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक करिएगा, आपको मिल जाएंगे। मैंने जो जो भी चीज़ें मीशो से मंगवाया है उसकी प्राइस वाइज आपको वहाँ पर मैंने बताया हुआ है। तो मैंने बस एक ही वॉल पेंट की है और मैंने कई वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं और उसमें मैंने दिखाया है कि कैसे वॉल को पेंट करते हैं और मैंने कौन सा पेंट यूज़ किया है। तो आप वहाँ से जाकर रूम मेकओवर में देख लीजिएगा। और सामने जो ये बुद्धा जी की पेंट, मैंने यहाँ पे वही चीज़ें यूज़ की हैं जो मतलब ख़राब ना हो, बच्चे जिनको गिरे रहे तो टूटे नहीं, तो स्टीकर मैंने इसीलिए लगा दिया है। सेम सामने का है ना एंट्रेंस, तो ये हमेशा खुला ही रहता है, बच्चे आते जाते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, तो कुछ भी ऐसी महंगी चीज़ें रख देंगे तो वो गिर सकती है, टूट सकती है, या बहुत महंगी पेंटिंग लगा दिया तो वो चीज़ें हवा चलती है, गेट है हमेशा ओपन ही रहता है। तो इसीलिए मैंने वही चीज़ें यूज़ की हैं जो आप हमेशा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा लाइट वेट नहीं ऐड की है क्योंकि जिस तरीके से हमेशा रहता है, मैंने बस वही आपके साथ शेयर किया है। तो ये देखिए सामने वाला जो था जहाँ पे आंगन है ना, वहाँ पे भी मैंने ये कर्टन लगाया है और ये सभी कर्टन मैंने मीशो से मंगवाए हैं। और देखिए रूम से जब आप डोर खोलते हैं ना, जो डोर था उसके सामने से अब देखती हैं तो ये देखिए वॉल भी बहुत सुंदर लगती है, उसके सामने जो चेयर रखी हुई है सब अब ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो रूम के अंदर से भी आप देखेंगे तो भी बहुत सुंदर लगता है। वैसे भी आप अगर अपना कोई भी काम करते हैं, मेकओवर करते हैं, तो वो आपको अच्छा लगता है, बट आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को ये मेकओवर कैसा लगा। प्लीज़ सपोर्ट करिए और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी किया करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कर लिया करिए अपने फ्रेंड्स व्रेंड्स के साथ में। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और देखिए मेन गेट जो है मैंने ओपन कर दिया है, तो देखिए सामने से इस तरीके से ये लुक है। थोड़ा सा कमी रह गई, फ्लोर पेंट नहीं मिला, और नहीं तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लगता, बट कोई नहीं, जो है वही ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।